अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। आज हम बनाने लगे हैं घर पे अपनी पसंद के कलर का होममेड मैट लिपस्टिक। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास लिपस्टिक जो कलर हम शेड जो चाह रहे होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, तो उसके लिए हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज हम मैं आपको बताऊंगी कि घर पे आप किस तरह से अपनी पसंद से आप लिपस्टिक का शेड बना सकते हैं और उसको झटपट से बनाकर फौरन से यूज़ कर सकते हैं। बनानी बहुत आसान है, अप्लाई की हुई बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में आपको एक बहुत मज़ेदार से टिप मिलने वाली है। तो चलें आज वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए अपनी मैट लिपस्टिक को बनाने के लिए वो मैंने ली है बेस फाउंडेशन। आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मेबेलिन फिट मी की फाउंडेशन यूज़ की है जो कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन फाउंडेशन थी, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी इसकी प्राइस, एक्सपायरी डेट कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं होता। बस इसके ऊपर इन्होंने ये कुछ इंग्रेडिएंट्स इसके लिखे होते हैं जो इन्होंने इसके अंदर डाले हुए हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मैंने ये यूज़ की है, काफ़ी टाइम मैंने इसको यूज़ किया है, अब तो शायद ये ख़त्म भी होने वाली है। अच्छी है नॉर्मल स्किन के लिए तो है ही, लेकिन ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ऑयली स्किन वाले इसको ज़रूर बाय किया करें क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी सी फाउंडेशन है और झटपट से ये बन जाती है और लग जाती है। जनाब ये ले लेते हैं हम थोड़ी सी फाउंडेशन, ठीक है। एक साफ़ सुथरा सा कंटेनर ले लें, उसमें थोड़ी सी फाउंडेशन ले लें। तो उसके बाद आप ऐसा करें कि कोई भी पुराना आपके पास अगर फेस पाउडर पड़ा हुआ है तो उसको ले लें, अगर आपके पास लूज़ पाउडर है तो वो ले लें। मेरे पास यहाँ पे एक पुरानी सी किट का पुराना सा फेस पाउडर पड़ा हुआ है, मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि मैंने तो सिर्फ़ इसमें ऐड ही करना है ताकि जो मेरी लिपस्टिक का कलर है वो मैट फिनिश लगे, ठीक है जी। ये मैं इसमें डाल लेती हूँ थोड़ा सा। चलें जी, अब आपने जो भी कलर की आप लिपस्टिक चाह रहे हैं उस कलर का आपने आई शेडो ले लेना है, ठीक है जी। आई शेडो आपने कोशिश करनी है कि आप ग्लिटर वाला ना लें बल्कि मैट वाला लें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा उससे, ठीक है। ये मैंने एक पुरानी सी किट के अंदर से निकाल लिए थे। तो आप जौन सा भी कलर चाहते हैं आप इसमें से वो वाला कलर सेलेक्ट करें और इसके अंदर डाल लें, ठीक है। मैं आज यहाँ पर पिंक कलर ऐड करने लगी हूँ, तो इसको भी थोड़ा सा स्क्रैच करके इसके अंदर डाल देते हैं। चलें जी, ये हमने डाल दिया। तो अब इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ठीक है। मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छी तरह से, या ऐसा करते हैं ब्रश की हेल्प से मिक्स करते हैं इसको। चलो जी, ये जो मैंने ब्रश मंगवाए थे ना दराज से, मेकअप ब्रशेस छोटे छोटे से हैं लेकिन ये मेरे बहुत काम आ जाते हैं इस तरह मिक्स वगैरह करने में। वैसे इनसे आई शेड वगैरह नहीं अच्छा अप्लाई होता लेकिन इस तरह के कामों में ये बड़े फ़ायदेमंद रहते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, ये देखें इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और ये थोड़ा इस वजह से क्योंकि अगर आपको बना कर रखना है किसी कंटेनर में, आप इसको सेव करके रख सकते हैं, तो फिर आप इसको ज़्यादा बना लें, ज़्यादा फाउंडेशन ऐड कर लें। लेकिन अगर मैं ये रिकमेंड करती हूँ आपको कि जिस टाइम आपने इसको लगाना हो आप उसी टाइम झटपट से इसको बनाएं और इसको लगा लें और दैट्स इट, क्योंकि इतने कंटेनर्स तो हमारे पास होते ही नहीं हैं। और ना बस ठीक है, आप इसको थोड़ा सा बनाएँ और साथ ही लगा लें, ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये कैसा शेड आया। तो ये देखें जी, हमारा फेवरेट कलर जो भी हम बनाना चाहें लगाना चाहें मैट लिपस्टिक हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप इसको आसानी से घर पे फौरन से झटपट बनाएं और लगाएं। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है और बिल्कुल मैट फिनिश है इसकी, और ये जल्दी से सूख भी जाएगा और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा आपके लिप्स के ऊपर, ठीक है। ये देखें बहुत अच्छा कलर आया, पिंकिश।
आप इसको लाइट भी कर सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं, जैसा आप पसंद करें आप इसको वैसा बना लें और इसको लगा लें और ये काफ़ी टाइम तक आपके लिप्स के ऊपर स्टे कर। ये देखें जी, ड्राई होने के बाद ये अच्छी तरह से आपके लिप्स के ऊपर लग जाएगी और ये देखें अब ये कहीं नहीं जाती, सारा दिन ये आपके लिप्स के ऊपर लगी रहेगी और बहुत अच्छे से आपको फिनिश प्रोवाइड करेगी। आप अपनी मर्ज़ी का कलर बना सकते हैं, जो भी कलर आप पसंद करते हैं, जो भी कलर आप सूट के साथ का मैचिंग चाहते हैं उस कलर की आप बना सकते हैं और इसको लगा सकते हैं और ये सारा दिन आपका साथ देगी। लगा लें और ये काफ़ी टाइम तक आपके लिप्स के ऊपर स्टे करेगा क्योंकि इसके अंदर हमने फाउंडेशन ऐड की हुई है, तो वो जब सूख जाएगी तो ये बहुत अच्छे से मैट फिनिश देगी और बहुत अच्छी सी लुक प्रोवाइड करेगा। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ठीक है जी, तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।